अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हमाद और एक न्यू एंड यूनिक आइडिया के साथ अनबॉक्सिंग रिव्यू जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं। यार अनबॉक्सिंग बार बार मैं कहता हूँ, बट ज़्यादा सोचने पे मुझे ये लगा कि अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एक तरह के रिव्यूज़ हैं जो कि, और कंपैरिजन भी कह सकते हैं, कंपैरिजन एंड रिव्यूज़ हैं जो कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में आते हैं, जो कि बिस्किट्स हो गए, लेज़ वगैरह भी आगे लेके आएंगे भाई, सब कुछ लाएंगे। बट अभी हमारे पास एक और न्यू प्रोडक्ट, फिर से प्रोडक्ट, असल में जो मेरा माइंड है ना, ये ज़रा गैजेट्स वाली साइड पे ज़्यादा रहा है, इस वजह से मुझे बार बार प्रोडक्ट्स एंड अनबॉक्सिंग ज़्यादा याद आती है। तो कोई नहीं, आहिस्ता से जाके आगे हम लोग ठीक हो जाएंगे, हमारी वर्डिंग भी ठीक हो जाएगी। बट अभी हम कंपैरिजन करते हैं अपने न्यू बिस्किट्स के, जो कि टक है, और इस टक देखो यार, नाम जब बंदा लेना ठक आता है, टक किसका नाम है, बट ठक वैसे इसके मुंह से मतलब कि ज़रा अलग किस्म का इसका नाम निकलता है। तो ये यहाँ पर रहा 25 वाला, यस इस 25, ये रहा 10। बाय द वे मुझे 10 वाला जो बिस्किट था वो एक ही मिला है, तो हम इसी को जो है वो डबल दो बार काउंट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 5 वाला है, तो मतलब के 25 एंड 25, एक जो 10 वाला है वो कम है, बट इस 10 वाले को हम दो बार काउंट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये ज़्यादा है या ये वाला। और जिस तरह से मुझे लग रहा है बिस्किट्स में, साइज़ में ये दोनों बिस्किट्स सेम ही होंगे, तो लेट्स ओपन, सबसे पहले 25 वाला ओपन करते हैं एंड इसमें देखते हैं कि कितने बिस्किट्स हैं। तो जिस जिसको ये टक बिस्किट अच्छा लगता है यार, कमेंट में मुझे बताएं किस किस को अच्छा लगता है, और ये अभी तक मतलब के सही सलामत हैं। तो यहाँ पर हम बिस्किट को निकालते हैं, ये सारे बिस्किट आगे रैपर आ गए, साइड पे करते हैं, फिर अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, सीधा कर देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, इट्स 12, थोड़ा सा टूट गया, फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 12 बिस्किट्स। एंड अब बारी है 10 वाले की, तो बाय द वे इसको हमने डबल काउंट करना है, और ये टक का जो 10 वाला बिस्किट है ये आई थिंक से टूट गया, तो इसको इसी में हम लोग रखेंगे। और ये दो तीन बिस्किट्स यहाँ पर टूट चुके हैं, और बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं बेचारा। तो यहाँ पर 3 बिस्किट्स एंड यहाँ पर 3 बिस्किट्स, ठीक है, हम इससे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि बिस्किट बिल्कुल टूट चुका है, अगर हमने बाहर निकाला तो इसका बेड़ा हो जाना है गरक। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से 5 वाला रख लेते हैं, बट आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको साइड पर कर देते हैं और इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं, 3 एंड 3। तो अगर इसको दोबारा काउंट किया जाए तो कितना बनता है, तो यहाँ पर हमारे 25 पैक वाले टक के जो बिस्किट हैं वो 12 हैं, जबकि अब हमारे यहाँ पर जो 10 वाले बिस्किट हैं वो एक पैक में यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहे हैं, 3 सेट एंड 3 सेट। तो मतलब ये हुआ कि 2 जो है, अगर आप 2 टक के अगर 10 वाले बिस्किट लेते हैं तो वो 25 रुपीज़ के बराबर बनते हैं, और 5 रुपये वाला बिस्किट आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मतलब यहाँ पर आपके 5 रुपये बच रहे हैं, आपको 25 वाले बिस्किट जो कि 12 हैं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपने 10 वाले 2 बिस्किट लेने हैं और 10 10 20 होगा, और आपके जो बिस्किट हैं वो भी 12 आपको मिलेंगे पूरे, जो कि 25 की कीमत में आपको मिल रहे हैं। तो हम जो 5 वाले इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने बिस्किट्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 3 बिस्किट्स देखने को मिलते हैं, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ, ये भी सही सलामत है, 3 बिस्किट्स हमारे 5 के रैपर में आते हैं, इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। 5 वाले बिस्किट, मतलब 5 वाले बिस्किट में भी 3 आते हैं, तो अगर हमारे 5 वाले बिस्किट में 3 आते हैं, तो मतलब अगर हम 4 बिस्किट 5 वाले भी लें तो हमारे 12 बिस्किट जो कि 25 रुपीज़ में आते हैं वो 5 रुपीज़ वाले बिस्किट में भी पूरा हो रहा है। तो टक वालो, लू वालो, यस इट्स लू, तो क्या यार,
इस वाले में ज़्यादा करो बिस्किट, 25 रुपीज़, 5 रुपये आप लोग ज़्यादा इसमें ले रहे हो। बट 10 वाले जो बिस्किट हमारे पास यहाँ पर हैं, जो कि 10 वाले अगर दो करें 20 रुपीज़ में, हमें 12 बिस्किट ही देखने को मिलते हैं जो कि 25 रुपीज़ के पैक में आ रहे हैं। और अगर 5 वाले हम यहाँ पर लेते हैं, मतलब 4 लेते हैं अगर 5 वाले, तो उसमें भी हमें 12 बिस्किट देखने को ही मिलेंगे। तो हम मतलब कि यार लोगों को अभी पता नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यार 25 वाला पैक ना लो, अगर 10 वाला अवेलेबल है आपके पास तो 10 वाले दो ले लो, उतने ही बिस्किट्स आपको मिलने हैं जो कि 25 वाले पैक में होंगे 12 बिस्किट। और अगर 10 वाले अवेलेबल नहीं है तो आप 5 वाला पैक अगर अवेलेबल है आपके पास, 5 वाले 4 बिस्किट ले लें तो 12 बिस्किट ही निकलेंगे जो कि 25 वाले पैक में आएंगे। तो इस तरह से आप 5 रुपये पूरे सेव कर सकते हो। अगर घर वाले आपको भेजते हैं बिस्किट वगैरह ले, मेहमान वगैरह आ जाए आपके, तो आपने 5 रुपये बचाने के लिए, खासकर बच्चे जो हैं यार, बच्चे ये वीडियो मेरी ज़रूर देखें और आगे भी देखते रहें क्योंकि उनके पैसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 रुपये भाई आपके बच गए हैं। अगर घर वाले बोलें कि भाई बिस्किट ले आओ, खासकर टक बिस्किट ले आओ, तो 25 रुपये अगर वो आपको देते हैं आने वाले कुछ दिनों में, अगर बिस्किट और महंगा ना हो गया, अगर महंगा होता है तो फिर से हम लोग इसकी रिव्यू ले आएंगे और देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है। बट अभी के लिए 25 रुपीज़ का अगर ये पैक हमें मिल रहा है तो आपने क्या करना है, 25 वाला पैक नहीं लेना, या तो आपने 10-10 वाले दो लेने हैं या फिर 5 वाले आपने 4 पैक लेने हैं, तो 20 रुपये के बनेंगे और 5 रुपये आपको बचेंगे। स्पेशली बच्चों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, और बड़ों भी, अगर बड़े भी ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको 25 वाला पैक लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 वाले जो हैं 4 ले लें, 12 बिस्किट आएंगे जो कि 25 रुपीज़ में आ रहे हैं, और 10 वाले दो पैक ले लें जो कि 20 रुपीज़ के हैं और 12 बिस्किट ही यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि 25 के पैक में आपको मिल रहे हैं। तो अगली बार से अगर मेरी वीडियो आपने देखी है तो ज़रा सोच समझ के अपनी बिस्किट की शॉपिंग कीजिएगा, स्पेशली छोटे बच्चे जो कि मेहमान आते ही घर वाले दौड़ लगाते हैं उनकी, भाई जाओ बिस्किट ले आओ। और स्पेशली मेहमानों के आगे ज़्यादातर टक बिस्किट और मैरी बिस्किट्स और इस तरह के जितने भी बिस्किट्स हैं, आगे जाके उनके भी रिव्यू करेंगे हम, जितने भी बिस्किट्स होते हैं वो जब लाते हैं, जो खासकर ये जो सिंपल वाले बिस्किट होते हैं ये ज़्यादातर मेहमानों के आगे रखे जाते हैं। 25 वाले पैक में भी 12 बिस्किट आते हैं और 10 वाले दो पैक में भी 12 बिस्किट्स आते हैं, एंड 5 वाले 4 पैक में 12 बिस्किट आते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके 5 रुपये बच चुके हैं। अगर आप 25 रुपीज़ का लेते हैं तो उतने ही बिस्किट आपको मिलेंगे, अगर आप 10 के दो लेते हैं तब भी उतने ही बिस्किट आपको मिलने हैं, अगर 5 के आप 4 पैक लेते हैं तब भी आपको उतने ही बिस्किट मिलने हैं। तो मॉरल कह सकते हैं कि स्टोरी का मॉरल ये निकला कि आपके आखिर में 5 रुपये बच चुके हैं, जो कि अभी अभी मैंने आपको न्यू एक एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इससे पहले मुझे यकीन है कि किसी ने भी आपको ये बात नहीं बताई होगी। सो आई एम दी फर्स्ट पर्सन जो आपको बिस्किट में से 5 रुपये बचा के दे रहे हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब इतना हमने किया तो ये जो टूटा हुआ हम खा भी सकते हैं, तो खाने वाले लोग जो हैं पीछे हमारा इंतज़ार करें तो वो भी खाएंगे, तो हम भी खाएंगे, हम सब खाएंगे। तो आने वाले जो अगले महीने के जितने मेहमान हैं ना, उनके लिए ये जो बिस्किट में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और कंपैरिजन कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो बिस्किट की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ जो बिस्किट वाले, मतलब कि रिटेल शॉप वाले जो इस साइड पर करते, तो रिटेल बिस्किट वाले जो एक पूरे डब्बे के अंदर दे रहे होते हैं, वो एक आई थिंक से मेरे पास पूरी यहाँ पर पल्टून में लेकर आ चुका हूँ।